बिहार में सारा इंतजाम तो ओके है, लेकिन बिहार के जो पहली बात जो सरकार है वो तो जैसे सारी कानून नियमों जितनी भी सुविधा चाहिए वो प्रोवाइड कर रही है। सरकारी स्कूलों में भी सारी चीज़ प्रोवाइड होती है, सरकार की तरफ से आती है। और यहाँ क्या बोलता है अपना, नीचे आते आते DM रहे, टीचर रहे, ये सब अपने खा लेते हैं। टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं ना, डायरेक्ट है तो टीचर का है, टीचर का। हाँ, क्योंकि वो पढ़ाना ही नहीं चाहते। हमारे साथ बिहार का वायरल बॉय सोनू भी है, सोनू से हम बात करेंगे। कैसे हो? अच्छे। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी। कौन सी क्लास में हो? 6th में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी कोटा आई थी दौरे पे। हाँ। तो बिहार के बच्चों, जैसे बिहार का नाम पुकारा, हाँ, बिहार की संख्या देखकर चौंक गई, क्या कहना आपका? देखिए बिहार का जो जितने भी बच्चे हैं वे सभी को अपना भविष्य निर्धारित ही करना है, तो सभी को जब अपना भविष्य निर्धारित करना है तो बिहार में देखिए शिक्षा की कमी नहीं है, वहाँ भी टीचर्स हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं वो पढ़ाना नहीं चाहते। और रही बात मेडिकल IIT की, तो उतनी कोई मतलब यहाँ जिस प्रकार से सिस्टम के अकॉर्डिंग एजुकेशन वहाँ भी सही है, वहाँ भी उतना ही होता है, लेकिन यहाँ के सिस्टम के अकॉर्डिंग जो सिस्टम जो बना हुआ है वो यहाँ का मतलब सबसे अच्छा है, एलन का जो सिस्टम। बिहार में ऐसा क्या इंतजाम होने चाहिए? देखिए बिहार में बिहार के जो बच्चे हैं उनको कोटा ना आना पड़े। बिहार में सारा इंतजाम तो ओके है, लेकिन बिहार के जो पहली बात जो सरकार है वो तो जैसे सारी कानून नियमों जितनी भी सुविधा चाहिए वो प्रोवाइड कर रही है। सरकारी स्कूलों में भी सारी चीज़ प्रोवाइड होती है, सरकार की तरफ से आती है। और यहाँ क्या बोलता है अपना, नीचे आते आते DM रहे, टीचर रहे, ये सब अपने खा लेते हैं। आज सुबह एक मेरा फोन आया था, आते रहता है हर समय, तो मैंने उठाया, कोई मोतिहारी से था, तो मोतिहारी से कोई रामपुरा में था, वो बोल रहे थे कि हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। तो मैंने बोला भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता तो जाकर के टीचर को बोलिए, तो वो बोल रहे हैं कि आपसे आप करेंगे तो हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं ना, उसमें ना उसका दोष ना जनता का जिसमें कुछ ने है ना सरकार का है, डायरेक्ट है तो टीचर का है, टीचर का। हाँ, क्योंकि वो पढ़ाना ही नहीं चाहते। आपको नहीं लगता कोटा जैसा एक संस्थान बिहार में भी होना चाहिए? कोटा जैसा संस्थान अगर बिहार में चाहिए, तो बिहार से कोटा आना पड़ा। मैंने माना, लेकिन बिहार अगर कोटा जैसा एक संस्थान अगर बिहार में चाहिए तो पहले तो वहाँ पर लोगों का जो है मन बदलना चाहिए है। अब वहाँ क्या है, कोई भी संस्थान आएगा तो जो है वहाँ सबसे पहले तो भेदभाव हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन एंड उसको क्या बोलते हैं कंपेयर करने लगेंगे। वहाँ पर यही सब तो चलता है ना, बर्बादी इसी में होती है।